देश में दोनों चरणों की सभी 25 लोकसभा सीटों के 16 मतदान केंद्रों पर ईवीएम के बजाय पर्ची से मतगणना होगी। इसकी वजह बूथ लेवल मतदान कर्मियों की बड़ी चूक बताई जा रही है। अब ये चूक क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के सभी 25 सीटों पर दो फेज में लोकसभा चुनाव होने के बाद निर्वाचन विभाग ने मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े मंगलवार को जारी कर दिए। इसके अनुसार पहले चरण की 7 और दूसरे चरण के 9 मतदान केंद्रों पर मॉक पोल में डाले गए वोटों को शून्य किए बिना ही मतदान चालू करा दिया गया। इनमें राजधानी जयपुर के भी बूथ शामिल हैं। ऐसे में मॉक पोल के वोट भी मतदाता की तरफ से डाले गए वोट में जुड़ जाएंगे। हालांकि मॉक पोल के बाद वीवीपैट से निकली पर्चियों को अलग कर खाली कर सील कर दिया गया था। ऐसे में अब इन बूथों की मतगणना ईवीएम के बजाय पर्चियों से होगी। हालांकि इसके लिए निर्वाचन विभाग को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। पहले फेज में 13 सीटों पर मतदान हुआ था और दूसरे फेज में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया गया था। पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में मतदान कम होने से अब सभी 25 लोकसभा सीटों पर 66.07% मतदान रहा, जबकि गत लोकसभा चुनाव में वर्ष 2014 में 63.11% वोट पड़े थे। ऐसे में इस बार 2.96% मतदान ज्यादा हुआ। ये अब तक के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान है। निर्वाचन विभाग को किसी भी जगह से गड़बड़ी के चलते पुनर्मतदान कराए जाने को लेकर शिकायत नहीं मिली। मतदान में पुरुषों की 66.54%, महिलाओं की 65.55% और ट्रांसजेंडर की 39.62% भागीदारी रही। राजस्थान में मतदान के दौरान 16 बूथों पर हुई बड़ी चूक। पहले चरण के 7 दूसरे चरण के 9 मतदान केंद्रों पर चूक। मॉक पोल के वोटों को शून्य किए बिना ही कराया गया मतदान। अब वीवीपैट मशीन से निकली पर्चियों से होगी मतगणना। कहीं से भी पुनर्मतदान की नहीं मिली शिकायत। 4 बूथों पर मतदाताओं ने किया मतदान बहिष्कार। निर्वाचन विभाग ने जारी किया अंतिम मतदान प्रतिशत। पहले फेज में 68.17% और दूसरे में 63.71% वोट पड़े। सीकर के फतेहपुर के गांव नाटसरा में लोगों ने सड़क डामरीकरण नहीं किए जाने के चलते एक भी वोट नहीं डाला। वहीं धौलपुर के बाड़ी विधानसभा के बूथ संख्या 252, 253 और 254 पर मात्र 16 लोगों ने वोट डाला। ये शुरुआत में पड़े, इसके बाद किसी भी ग्रामीण ने वोट नहीं दिया। यहाँ बजरी माफिया को लेकर लोग सड़कों पर थे। बताया गया कि बजरी माफिया और पुलिस की फायरिंग में एक स्थानीय व्यक्ति के मौत से लोगों में भारी आक्रोश था। ऐसे में 4 बूथों पर मतदान नहीं हो सका, लेकिन सरकारी स्तर पर भी अधिकारियों ने मतदान कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। अब सभी को इंतजार है 23 मई का। 23 को मतगणना होगी और परिणाम आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कौन बनेगा सरताज और किसके हाथ लगेगी मायूसी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट न्यूज।